उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में रविवार को जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय की अध्यक्षता में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। ई लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण विजेंद्र कुमार सिंह द्वारा कुल 27 वादों का निस्तारण करते हुए 1,08,75,000 रुपये प्रतिकर अवार्ड दिया गया तथा पारिवारिक वादों के निस्तारण हेतु ई लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवेंद्र सिंह सहित संबंधित न्यायाधीशों द्वारा वादों का निस्तारण किया गया। ई लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय देवेंद्र सिंह द्वारा ऐसे 4 युगल जोड़ों को एक दूसरे से अलग रह रहे थे एक साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु प्रेरित किया गया तथा उन्हें भेंट देकर उनको एक साथ रहने हेतु विदा कराया गया। रविवार को आयोजित ई लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकल के कुल 27 व पारिवारिक वादों के कुल 29 वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने बताया। नालसा व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज इस COVID-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आज दीवानी न्यायालय परिसर व MSET न्यायालय में आज विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। चूँकि कोरोना काल में किसी भी लिटिगेंट्स की फिजिकल अपीयरेंस संभव नहीं हो पाई थी, इस कारण से ऐसे पत्रावलियाँ जो पारिवारिक मामलों से संबंधित हो, जो मोटर प्रतिकर वाद से संबंधित हो, ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए आपसी सुलह समझौते के आधार पर यह विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। आज ये लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। आज मोटर दुर्घटना अभिकरण द्वारा इस लोक अदालत में 63 मामले को नियत किया गया था, जिसमें से 27 मामले को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करते हुए लगभग 1,08,00,000 रुपए अवार्ड एज अ कंपनसेशन दिया गया, जिसमें वादकारियों को इस प्रतिकर अवार्ड से लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालय में भी एक विशेष लोक अदालत लगाया गया। परिवार न्यायालय में ऐसे मामले जिसमें पारिवारिक जोड़े आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामले को निस्तारित कराना चाहते थे, ऐसे मामले को इस पारिवारिक लोक अदालत में नियत किया गया था। इस पारिवारिक लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय व अन्य अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय उपस्थित रहे। कुल इस लोक अदालत में 48 मामले को नियत किया गया था, जिसमें से पति पत्नी के बीच मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करते हुए 29 मामले को इस लोक अदालत में निस्तारित किया गया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 4 युगल जोड़ों को, ऐसे जोड़े, वैवाहिक जोड़े जो अपने दाम्पत्य जीवनों के लिए जूझ रहे थे, ऐसे युगलों को समझाया गया, उनको एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें भेंट देकर एक साथ रहने के लिए विदा किया गया। यह लोक अदालत ही नहीं, इसके बाद भी नालसा व सालसा से हमें डायरेक्शन प्राप्त है 12 दिसंबर को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के मामले, फौजदारी प्रकृति के मामले, बैंक वसूली, इंश्योरेंस से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, NI एक्ट से संबंधित मामले व इस तरीके के जो भी मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत की जाती हैं, ऐसे सारे मामलों का एक व्यापक स्तर पर इसका निस्तारण किया जाना है। तो अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त वादकारियों से आग्रह करूंगा कि जिन किसी को भी अगर अपने मामले लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं व लोक अदालत के फायदों को उठाना चाहते हैं, वो आगामी 12 दिसंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इस दीवानी न्यायालय परिसर में होना है, इस विशेष लोक अदालत में, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले को नियत कराएं तथा लोक अदालत में जो होने वाले फायदों को उठाएं। धन्यवाद।